दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ रावत फैमिली फूड्स में और मैं बना जा रहा हूँ कटलेट जैसा आप देख रहे हो वीडियो में। और मैंने ये ब्रेड जो लगा रखे हैं इसमें कर रखे हैं वो हमने इसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया है। इसका साइड का जो है कट कर देना है आपने और एक मिनट के लिए भिगो कर रखना है। भिगोने के बाद आपने इसको पानी से निकाल देना है, उसके बाद आपने निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद आपने जो मैश किया हुआ आलू है इसमें डाल देना है। जितना भी आपने ब्रेड कर रखे हैं, कट कर रखे हैं, वो सारे निचोड़ के उसमें डाल देना है मैश किया आलू में। ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हमने मसाले डालने हैं, हल्दी डालनी है, नमक डालना है स्वाद अनुसार। जो भी मसाले आपको जिस हिसाब से पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर है स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर भी, मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार। सारे मसाले डाल देने हैं प्रॉपर तरीके से और इनको आप अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। पर जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार आपने मैश करना है। ये हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद आपने थोड़ा सा सूजी लेनी है, सूजी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सूजी की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे कटलेट प्रॉपर अच्छी तरह से पके और क्रिस्पी बने। और ये हमने सारे मिक्स कर दिया है, सूजी सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं मैश किए आलू में। अब इसको ये बन गया, रेडी हो गया हमारा बैटर, छोड़ देना है इसको, हमने रेस्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद हमने कढ़ाई की तरफ आना है और गैस पे चढ़ा देनी है कढ़ाई को और इसको तेल को गर्म होने देना है हाई फ्लेम में। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, हमने जो बनाए थे कटलेट तैयार हो गए हैं। अब हमने इसको सेकने हैं, फ्राई करने के बाद प्रॉपर पकने देना है जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे कटलेट तैयार हो गए। जैसे दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।